सब्सक्राइब कीजिए पिजन मस्ती चैनल को और पास में बने बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। सो गाइस, आज बहुत दिनों के बाद जो हम लोग उड़ाने वाले हैं कुछ कबूतर, आपको पता होगा मैंने पहले भी बता रखा है मेरे सारे ही कबूतर, मतलब बहुत ज़्यादा कबूतर पर झाड़ में है और बहुत सारे जो पर झाड़ करके साफ कर लिया है अपना पर। तो जो जो कबूतर उड़ान के लिए रेडी है सोच रहा हूँ आज उड़ाऊँ, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है कि भाई कबूतर की उड़ान की वीडियो बनाओ। और मैंने देखा भाई आज मौसम भी बहुत बढ़िया हो रखा है, तो आज निकालते हैं कबूतर और उड़ाते हैं। और साथ में जो आप लोग का ये कमेंट्स होता है कि भाई कबूतर हम लोग उड़ाते हैं कहीं और जाके बैठ जाते हैं, कबूतर को हम लोग हाथ से फेंकते हैं तो भी कहीं और जाके बैठ जाते हैं, तो मैं किस तरीके से कबूतर उड़ाता हूँ यह भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो जो कबूतर रेडी है उड़ान के लिए उसको निकाल लेते हैं। A few moments later. So guys, जो कबूतर रेडी हैं फिलहाल में उड़ने के लिए उन सारे कबूतरों को निकाल लिया है। सिर्फ इतने ही कबूतर भाई उड़ने के लिए रेडी हैं, 2, 4, 5 कबूतर, जिसमें से पहला है लाल कासनी, दूसरा जीरा बच्चा है जो घर का पट्टा है, 2 कलसरे हैं और ये हमारा कासनी पट्टा, ठीक है। और गाइस, सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि आपको पता होगा भाई ये कबूतर कैसा उड़ता है, ठीक है, मतलब उड़ना स्टार्ट कर देता है तो कबूतर बैठने का नाम नहीं लेता। और उसके साथ में मैं छोटा बच्चा उड़ा रहा हूँ जो इस बार तैयार हुआ है, जीरा बच्चा, इसको उड़ाया जा रहा है। वैसे उम्मीद है गाइस, ये जिसका भी बच्चा है उसकी यही खासियत है कि मतलब चाहे कितना भी दूर निकल जाए अपने छत पर वापसी करते हैं, इसीलिए मेरे को विश्वास है कि ये इधर उधर नहीं होगा। तो सबसे पहले इनको उड़ाते हैं, आप वीडियो में बने रहना, वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और गाइस, काफ़ी बढ़िया धूप हो रखा है आप देख रहे हो, ठीक है। और एक और गाइस कबूतर तैयार है उड़ने के लिए, इसकी फ़ीमेल है जो हमारी घाघरी पट्टी है, लेकिन उसको उड़ाऊंगा नहीं क्योंकि भाई ये दोनों उड़ना स्टार्ट कर देंगे तो कब उतरेंगे मेरे को भी नहीं पता है, बहुत ज़्यादा उड़ना स्टार्ट कर देंगे, इसीलिए सिर्फ ये 5 को उड़ाते हैं। उड़ा दे भाई गाइस, बस देखो हल्का सा कपड़ा दिखाया जाएगा या फिर सीटी मारा जाएगा, कबूतर देखो कैसे उड़ते हैं। बस गाइस इतना ही, बस भाई रख दे कपड़ा। सो गाइस देख लो, मतलब बस इतना सा ही करने की ज़रूरत है मेरे कबूतरों को। और 5 कबूतर उड़ाए मैंने, 5 में से एक भी कबूतर ऐसा नहीं होगा कि कहीं और जाके बैठ जाए, ठीक है। 5 के 5 कबूतर उड़ेंगे और उसमें से एक भाई बहुत छोटा पट्टा है जिसको मैंने अभी कासनी के साथ में नहीं उड़ाया है, ये बहुत दिक्कत वाली बात है क्योंकि कासनी भाई बहुत ही ज़्यादा उड़ता है और बहुत आसमान बंद होकर उड़ना पसंद करता है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। यहाँ पे उड़ रहे हैं 4 कबूतर, उसके पीछे एक ये लाल कासनी उड़ रहा है। और गाइस, आप लोग को अगर उड़ान की वीडियो अच्छी लगे तो भाई प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बता देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है, और कौन सा कबूतर कैसा उड़ रहा है वो आप बता सकते हो। और वैसे तो मैंने आप लोगों को मना किया था कि भाई ये सीज़न में कबूतर उड़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बारिश का सीज़न है और इसमें कबूतर बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन गाइस मौसम अच्छा हो रखा था, आप लोग की इतना ज़्यादा डिमांड आ रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इनको उड़ा दिया जाए। और ये कबूतर जो है उड़ने के लिए रेडी भी थे। ये देख लो भाई, सो गाइस देख सकते हो जो पट्टा हमने उड़ाया है उसको पहली बार उड़ाया है, लेकिन वो अभी मतलब काफ़ी बढ़िया साथ पकड़ के उड़ रहा है कबूतरों का। ये जो पर खोल रहा भाई यही है, हो सकता है कि ये इनसे पहले नीचे आ जाए क्योंकि मैंने अभी बड़े कबूतरों के साथ में इसको उड़ाया नहीं है, ये छोटे अपने आप मस्ती में उड़ता था या फिर किसी कबूतर के साथ चला जाता था, ठीक है। बड़े कबूतर के साथ भाई इसको नहीं उड़ाया है, देखो अलग अलग निकल रहा है, ठीक है, वो देखो जो गाइस वहाँ सिंगल उड़ रहा है कबूतर वही है, वो पट्टा जीरा पट्टा काफ़ी बढ़िया उड़ रहा है, हाइट पकड़ रहा है कबूतर, फिर से कबूतरों के साथ में आ गया है। और गाइस जब कबूतर थोड़े से और ऊपर चले जाएंगे तब अपने जो ये कबूतर हैं इनको निकाल दिया जाएगा बाहर, ठीक है। गाइस कबूतर अभी बहुत ज़्यादा हैं, काठवा नीलम भी है लेकिन वो उड़ने के लिए रेडी नहीं है, बहुत ज़्यादा पर झाड़ में लगा हुआ है इसलिए उसको उड़ाया नहीं है, नहीं तो उसकी भी उड़ान आपने देखा ही है कैसे उड़ता है वो। गाइस छोटा पट्टा भी भाई बड़े कबूतरों का साथ छोड़ नहीं रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा साइड हट रहा है दोबारा से साथ में आ जा रहा है,
और अगर गाइस वो साथ छोड़ भी देता है तो मेरे को पूरी उम्मीद है छत पे कबूतर नहीं भी रहेगा तो भी वो अकेला छत पे आने की दम रखता है, क्योंकि उसके माँ बाप जो है मेरे पास बहुत टाइम से हैं और उसके माँ बाप की भी वही आदत है कितना भी दूर निकल जाए लेकिन बैठते समय अपने ही छत पे बैठते हैं। लेकिन भाई ये छोटा है तो इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या भाई कैसे उड़ रहे कबूतर? अच्छे उड़ रहे। और गाइस इस लड़के से कबूतर उड़वाने का सबसे मेन मकसद यही था कि आप लोग जो पूछते रहते हो कि भाई कबूतर हम लोग हाथ से फेंकते हैं या फिर कैसे भी उड़ाते हैं तो कबूतर हमारे कहीं और जाके बैठ जाते हैं, तो आप अपने कबूतर कैसे उड़ाते हो? तो मैंने पहले भी बता रखा है भाई कि मैं अपने कबूतर कोई भी कपड़ा हल्का भी कपड़ा दिखा दूंगा तो मेरे कबूतर उड़ना स्टार्ट कर देंगे। गाइस ये देखो जैसा मैंने बोला था भाई ये जीरे पट्टे को, छत पे एक भी कबूतर नहीं है, देखो एकदम रॉकेट जैसा बच्चा है, एकदम छोटा पहली बार उड़ा है, लेकिन जब बैठना होगा भाई अपने ही छत पे बैठेगा। देख लो गाइस पहली बार बड़े कबूतर के साथ उड़ा है ये देखो भाई। गाइस इसके माँ बाप बहुत टाइम से मेरे पास हैं इसीलिए मैंने बोल दिया था कि ये कबूतर जो है ये देखो वहाँ पे बैठने की कोशिश किया लेकिन गाइस कहीं नहीं बैठेगा, इतना मेरे को पूरा विश्वास है कबूतर पे, ठीक है। और गाइस छत पे एक भी कबूतर नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, बच्चे जो हैं दूसरे को देख के या फिर छत पे कबूतर नहीं होते तो थोड़ा भड़कते हैं, लेकिन ये कबूतर देखो भाई, देखो इसको, देखते हैं भाई ये कबूतर कहाँ बैठता है। वैसे मेरे को तो पूरी उम्मीद है अपने ही छत पे आएगा और बैठ भी गया था लेकिन मैं थोड़ा नज़दीक गया इसीलिए थोड़ा सा डर गया बच्चा, ठीक है। ये देखो और गाइस देख सकते हो मतलब कितना ज़्यादा हाँफ रहा है, क्योंकि मैंने इसको अभी तक बड़े कबूतरों के साथ में उड़ाया नहीं है एक भी बार, पहली बार ये उड़ा है आपके सामने ये देखो। और बाकी सारे कबूतर मेरे ये रहे गाइस, ये भी ज़्यादा उड़ेंगे नहीं क्योंकि भाई ये लोग भी काफ़ी टाइम से परझाड़ में हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है अगर आ जाएंगे तो, अभी फ़िलहाल में तो कबूतर खोला नहीं जाएगा क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा उड़े कबूतर। अभी परज से ये लोग साफ़ किए हैं और ये तो भाई पट्टा ही है गाइस, देख सकते हो मतलब भाई कितना बढ़िया पट्टा है, मतलब छत पे एक भी कबूतर नहीं है, हम लोग छत पे बैठे हैं लेकिन ये अपने ही छत पे आया, ठीक है। भाई पानी पीने के लिए आ रहा है लेकिन अभी पानी पीने नहीं देना है, 10-15 मिनट के बाद कबूतर उड़ के आए उसके बाद पानी देना चाहिए, तो ये चीज़ का आप लोग भी ध्यान रखना। देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा हाँफ रहा है कबूतर। गाइस ये बच्चा बता रहा हूँ मैं कि जब अपने उम्र पे आएगा काफ़ी बढ़िया उड़ने वाला है, और छत पे कितना टीका है ये तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसने पहली बार उड़ान मारा छत पे, मैंने एक भी कबूतर, मेरे को मतलब विश्वास था कि ये कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि भाई इसके और जो पीछे बच्चे निकले हुए हैं इसके भाई बहन इससे पहले उसकी भी रिकॉर्ड मुझे पता है इसलिए, ठीक है। और गाइस ये चार कबूतर अपना एक साथ मस्ती में उड़े जा रहे हैं, कहाँ गए भाई ये रहे। सो गाइस कुछ कबूतर फ़िलहाल में और सोच रहा हूँ खोल दूँ, क्योंकि ये लोग भी अगर आके बैठ जाते हैं तो अच्छी बात है। ये देखो भाई पानी पे आ रहा बच्चा लेकिन पीने नहीं देना है इसको, खड़ांग उड़ांग देख सकते हो काफ़ी बढ़िया खड़ांग उड़ांग है बच्चे की, बहुत सही बच्चा है भाई। सो गाइस अभी भी फ़िलहाल में कबूतर उड़ रहे हैं और अब भाई मैं ये अपने सारे कबूतर खोल दे रहा हूँ क्योंकि ये लोग भी बाहर निकल जाएं। देखो भाई पास में पूरा आ गया हूँ, ऐसा नहीं कि बच्चा डिस्टर्ब होगा चाहे कुछ भी, कबूतर खोल दिए हैं अपने सारे ही। गाइस ये जो घाघरी फीमेल है ये भी उड़ान के लिए रेडी है बिल्कुल, लेकिन इसको मैंने उड़ाया नहीं था क्योंकि ये भी भाई प्योर हाई फ्लायर कबूतरी है और इसका मेल उड़ रहा है, तो दोनों अगर साथ में उड़ने लगते हैं तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम उड़ते हैं, इसके वजह से मैंने नहीं उड़ाया इसको। और ये अभी फ़िलहाल में अंडे पे आ रखी है, और ये जो गाइस काठवा नीलम है ब्लैक वाला अपना, ये भी पर झाड़ में लगा हुआ है। और गाइस ये जो बच्चा है भाई ये पेयर का है, जो वहाँ पे ब्लैक मेल है और ये ब्लैक एंड वाइट में फ़ीमेल है, ये दोनों का बच्चा है ये, ठीक है। ये पूरी फैमिली है इनकी आप देख सकते हो। गाइस ये दोनों का भी यही आदत है चाहे कितना भी दूर निकल जाए, ये तो अभी बच्चा है दूर ज़्यादा गया नहीं, हाइट पे गया था। और ये देखो भाई कबूतर खोल दिए तो ये कबूतर भी अपने धीमे धीमे नीचे आ चुके हैं और ये लोग भी भाई आके बैठ जाएंगे, ठीक है।
काफ़ी अच्छी बात है आके बैठ जाए तो। ये देखो भाई गाइस, ये चारों ने मतलब साथ छोड़ा नहीं है और बहुत समय के बाद मैं आज कबूतर उड़ा रहा हूँ। आपको भी पता होगा थोड़ा भी कबूतर मैं नहीं उड़ाता था, कासनी उड़ जाता था भाई, लेकिन आज साथ में ही उड़ रहा है। और वो कलसरे का भी उड़ान आप लोगों ने नहीं देखा था अभी तक, तो आज देख लो। उस दिन उड़ा था तो भाई कुछ खास उड़ा नहीं था, आज काफ़ी बढ़िया उड़ा है। ये देखो और ये देखो गाइस, पहला कबूतर ये हमारा जो पुराना वाला कलसरा कबूतर है ये रिटर्न वापस आया। अभी जो न्यू कलसरा उड़ाया था गाइस वो वाला नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा। ये कासनी की वापसी, कासनी भी गाइस रिटर्न आ गया है। और ये रहे भाई ये कबूतर। सो गाइस आप ये चीज़ देख सकते हो भाई, इतने दिनों के बाद कबूतर उड़ाया है, बहुत टाइम से कबूतर नहीं उड़ा रहा था, उसके बाद भी मतलब आप लोगों के सामने ही मैंने कबूतर उड़ाया। तो ऐसा नहीं कि मेरे ये न्यू कबूतर है भाई जो कलसरा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि नया कबूतर या फिर जो पट्ठा है वो कहीं और जाके बैठ जाए चाहे कुछ भी, भाई ये अपने ही छत पर रिटर्न वापस आए हैं बैठने के लिए। ये देख सकते हो लाल कासनी भी आ चुका है गाइस, जितने भी कबूतर उड़ाए हैं सारे ही रिटर्न वापस आ गए हैं। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पे नए हो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर पर्सनल में कुछ बात करना हो या फिर हमें कुछ सेंड करना हो तो इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंस्टा पे DM कर सकते हो और वहाँ पे बात कर सकते हो पर्सनल में। तो गाइस मिलते हैं फिर से और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।